राजस्थान के जयपुर, जहां पे महावीर स्कूल में जैन समाज का समापना पर्व का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं। आज इस पवित्र अवसर पर राजस्थान जैन महासभा द्वारा आयोजित सामूहिक स्वामीवाणी कार्यक्रम में होकर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ है और मैंने महाराज जी के प्रवचन सुने हैं तो निश्चित रूप से मेरे मन में उनके प्रति जो भाव और उनकी जो तपस्या है और वो राष्ट्र को जिस तरह से रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से सभी संत मुनि जी को इस बात के लिए कि आज मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि एक साथ मैंने साथ साथ हमारे मुनियों के दर्शन का लाभ लिया। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। क्षमा याचना समाज में सद्भावना फैलाती है क्योंकि यह दूसरों को यह महसूस कराती है कि आप उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। जैन समाज क्षमा याचना के महत्व को बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद भी करता है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना यह बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई वीर ही कर सकता है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम्। आज क्षमा वाणी के अवसर पर मैं भी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए भी आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो, जैन समाज हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। जैन समाज के अनेक ट्रस्ट संगठन आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं और मैं कहता हूं वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं, इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैन समाज जैन धर्म 10 लक्षण पर्व मानवता के प्रेरणा का स्रोत भी है। 10 लक्षण न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की नींव भी रखते हैं। इन गुणों का अनुकरण कर हम न केवल अपने जीवन को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और देश को भी
सुखी और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, असत्य की शिक्षाएं आज के युग में उतनी प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। और व्यक्ति कुछ भी सोचता है लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भाव पैदा होता है और उस भाव से जब वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसको मन को भी शांति मिलती है। अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात नहीं करता बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। दूसरे के प्रति करुणा संवेदनाओं का भाव रखना चाहिए। अंत में मैं राजस्थान के समस्त जैन समाज की प्रशंसा भी करता हूं जिन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य भी किया है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है और यही क्षमा वाणी हमें अपने भीतर की कड़ता भैरभाव को त्यागने का अवसर प्रदान करता है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारा देश हजारों सालों से हमारे संत, हमारे मुनि, हमारे ऋषि जिस तरह से इस देश को दिशा देने की काम किया है, हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है, हमारे सनातन को मजबूत